अस्सलाम वालेकुम गाइस जी। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए सेलिंग के लिए एक कल्टस लाया हूं जो कि 2016 मॉडल लिमिटेड एडिशन है। इंजन वगैरह इसका बिल्कुल सेट है, एसी वगैरह चलने में सही है, ओके बिल्कुल। सबसे पहले इस गाड़ी की लोकेशन की बात करें तो अगर आप किसी को कराची में PCHS सोसाइटी का बताओ तो नर्सरी के सामने वैसे आती शारे फैसल पे कराची फूड्स बना होगा। उधर से जैसे ही एंटर होए तो अम्बाला बेकरी के राइट साइड होके अक्सा मस्जिद आएगी अम्बाला बेकरी के पास, वहाँ पे आके ये वाली गाड़ी लोकेशन है। वहाँ पे आके अगर कोई इसको विजिट करना चाहता कर सकता है। वैसे मैं कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में इसकी थोड़ी डिटेल वगैरह भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसकी फ्रंट पे देख रहे जैसा कि इसका बिल्कुल क्लियर है, लाइट्स वगैरह भी साफ़ सुथरी है, यहाँ से ग्रिल वगैरह भी इसकी साफ़ है। यहाँ पर थोड़ा सा ये डेंट लग रहा पड़ा हुआ, बाकी ये इतना इशू नहीं होता इन गाड़ियों में। इस तरह करके राइट से आप राइट और लेफ्ट साइड के इसके टायर्स वगैरह ये अलॉय व्हील्स लगे, ये शीशा वगैरह भी देखे कंडीशन में सही है, जैसा कि आप देख ले कंडीशन में शीशा भी सही है। यहाँ पे आपको ये विंड वाइपर पता नहीं इनको क्या कहते वैसे ये लगे हुए कल्टस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वैसे आपको लगवाने पड़ते, ये पहले से इसमें लगे, ये फ़ायदा इसमें आपको मिल गया। यहाँ से आप जैसा कि इसकी कंडीशन देखें, बैक से कंडीशन भी इसकी बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से आप यूरो 2 इसकी ये जैसा कि इंजन की क्वालिटी वगैरह, इंजन जिससे बना होता है ये वो है, पीछे की ये लाइट्स वगैरह भी इसकी क्लियर है। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं इधर आपको ये लाइनिंग की भी ऑप्शन मिलती है, जो अगर आपको जैसा कि पता है फोग पड़े तो फोग में आपको ये लाइनिंग के लिए ऑप्शन ऑन करना पड़ता ताकि शीशे वगैरह गर्म हो जाए। और अब इसके नीचे बात करें तो अंदर इसकी मेरा ख्याल LCD भी लगी हुई है ताकि इधर बैक कैमरा लगा हुआ। मैं आपको इसका मॉडल 2016 लिमिटेड एडिशन, जैसा कि उधर लिमिटेड एडिशन भी लिखा है, आप क्वालिटी क्लियर देख ले, पीछे से भी क्लियर है, पेंट वगैरह कोई नहीं होया हुआ है, ओरिजिनल पेंट जैसा कि अभी मैं चेक करूँ ओरिजिनल ये पेंट। फ्लैपर भी लगे हुए जैसा कि आप देखें, फ्लैपर वगैरह, फ्लैपर के साथ मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा दूँ। इंटीरियर भी इसका बिल्कुल सही है, सेट है, साफ़ सुथरा इंटीरियर है, लेदर सीट्स तो नहीं है वैसे। अपने जो क्वालिटी इसमें कवर की लगी हुई वो अच्छी क्वालिटी है, मैं बताऊँ वहाँ पर जैसा कि आपको साफ़ सुथरा क्लियर नज़र आ रहे हैं। और हैंडल वगैरह, डोर हैंडल, शीशा ओपनिंग क्लोजिंग की सारे इसमें सही है। पीछे की भी देख रहे हैं सामान, ये पड़ा हुआ कपड़ा, बाकी इसमें पीछे भी स्पेस वगैरह है, जो इनका बूफर वगैरह होता है वो हो सकता पड़ा हो, इस तरह करके इसमें ये पीछे सामान वगैरह रखने के लिए सारी ऑप्शन। और खुली गाड़ी है, ये नहीं कि कई मैंने एक दो गाड़ियाँ देखी उसमें खुली वगैरह नहीं होती अंदर से, वो सीट्स इतनी कोई उन्होंने बाद से ऐड की होती, वो खुली वगैरह नहीं होती। जैसे कि आप इधर देख ले, इधर इसकी ये मैंने आपको बताया जो पीछे लाइनिंग होती है, ये इसका बटन है, यहाँ से लाइट्स के भी बटन, इसके सारे कंट्रोल्स ऑन है कंट्रोल के साथ इसके, यहाँ पे भी ये बटन भी इसका सही है, ऑन है सुजुकी का। यहाँ से आप ये इसकी डोर की कंडीशन देखें, ये भी बिल्कुल क्लियर है। और यहाँ मीटर आप देखें, वैसे तो ये 6000 कोई दिखाने लगा हुआ, वैसे तो ये चली तो ज़्यादा होगी, इसे 2016 मॉडल चली तो ये ज़्यादा ही होगी भाई। इसका ये क्लियर है, ये मैं आपको बता दूँ, इसका भी कोई मीटर वगैरह साफ़ सुथरा है, चलने में गेजेस वगैरह इसके सब चलते। यहाँ पे ये इसका बैक कैमरा, ये तो बाद में आफ्टर कंपनी मार्केट इन्होंने इंस्टॉल करवाई है LED इसकी, जो कि बैक कैमरा जैसे कि मैंने आपको बताया, USB भी कनेक्ट हो सकती है, मेरा ख्याल ये चार्ज भी करेगा मोबाइल को, मेमोरी कार्ड इंसर्टेड वगैरह ये तो आपको साथ ही मिल जाएगी। यहाँ पे इसके कंट्रोल AC के कंट्रोल भी सारे सेट है, चलने में वगैरह में AC भी चलने में सही है इसका, असली लोगों को आज के गर्मियाँ AC की ज़्यादा ज़रूरत होती है। हैंड ब्रेक भी देखे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे चार्जिंग की ऑप्शन, चार्जिंग फोन मिला हुआ, ये जगह भी आप जैसा कि ये सही है, बिल्कुल क्लियर है। अब ये इसका ऊपर देखे, ये लाइट वगैरह इधर है, पीछे तो वैसे नहीं आती होगी इनमें। ये हैंड ब्रेक भी इसकी सही है, जैसा कि कंडीशन वगैरह देख सकते हैं आप गाड़ी की, मैं आपको इधर से दिखा दूँ कंडीशन पीछे की, जैसा कि देख ले आप जी। तो अब इस गाड़ी की डिमांड की बात कर ले, सबसे पहले डिमांड की बात है तो इस गाड़ी का सुजुकी कल्टस है ना, सुजुकी कल्टस की इसकी डिमांड है 12 लाख रुपये, जो कि अभी ओनर डिमांड कर रहे हैं। बाकी आप अगर फ़ोन करें तो 5-10% डिस्काउंट भी मिल सकते हैं, आप अगर कॉल करते ओनर को तो आराम से डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। बाकी 12 लाख रुपए इसकी डिमांड है, और कंपनी के मार्केट के हिसाब से ये वाली अभी डिमांड इसकी बेहतर है जी। तो अगर कोई लेना चाहता है तो ओनर का नंबर आपको शो हो जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसे कॉन्टेक्ट करके आप उनसे बात करके ले सकते हैं। मैं लोकेशन आपको फर्स्ट में बता दिया वीडियो के शुरू में ही, ताकि आपकी आसानी हो जाए जी। तो ये था कल्टस का रिव्यू, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।